वो क्या? वो तवज्जो तलब लफ्ज है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस जामे तिर्मजी किताबुल मनाकिब है और हदीस नंबर 3714 है, 3714। और फिर हाकिम ने मुस्तदरक में, तबरानी ने अलमुजमुल औसत में, इमाम बजार ने मुसनद ने, अबू याला ने मुसनद में, हर एक ने रिवायत की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमल्लाहु अलीयन, अल्लाह अली पर रहमत फरमाए, और दुआ की अल्लाहुम्मा अदिरिल हक्क माहु हैसु दार, ए अल्लाह अली जिधर जाए। हदीस के लफ्ज सुनिए, हदीस नबवी, अर्ज किया ए अल्लाह अली जिधर जाए हक को इसके साथ साथ फेरता जा, जिस राह पे अली कदम रखे हक को उसी राह पर फेर। औरों के लिए दुआ फरमाते, उम्मत के लिए दुआ फरमाते, तो वो दुआ यूं होती कि जिधर हक जाए हमें उधर फेर, जिस तरफ हक हो हमें उधर चला। सारी उम्मत के लिए दुआ यूं होती जिधर हक हो हमें उधर चला, मगर हजरत अली के लिए दुआ की ए बारी ताला जिधर अली हो हक को उधर चला। इस नुक्ते को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरती से अत्तफीमातुल इलाहिया में सराहत से बयान किया, जिधर अली जाए हक उधर जाए, गोया अली हक के पीछे न चले हक अली के पीछे चले। ये कैसे हो सकता है? ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अली खुद हक का पैकर ना हो, मुमकिन नहीं। जब तक फातिमा खुद हक का पैकर ना हो, जब तक हसन हुसैन खुद हक का पैकर ना हो, हक उनके पीछे नहीं चलाया जा सकता। बंदे हक के पीछे चलते हैं, हक बंदों के पीछे नहीं चलता। और जब आका अलैहिस्सलाम दुआ कर दें हक इनके पीछे चला, इसका मतलब है ये खुद पैकरान है, हक को हिदायत है। अगर उनके अंदर फिर गलती का कोई इम्कान रह जाए तो हक गलती के पीछे नहीं चल सकता, हक खता के पीछे नहीं चल सकता। तो आका अलैहिस्सलाम की दुआ, आप अहले सुन्नत हैं, बोलिए क्या अकीदा है आपका, रद्द होती है या कतई तौर पर मकबूल? जो दुआया कलिमात आका अलैहिस्सलाम की जुबान पर आ जाए वही हो के रहता है। तो आका ने जब फरमा दिया जिधर अली कदम रखे हक उधर जाए, इसका मतलब है अली, फातिमा, हसन और हुसैन ये हक की के पैकर हो।